उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन यूपी में सत्तारूढ़ पार्टी सपा में चल रहा दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश और मुलायम दोनों गुटों के बीच चुनाव चिन्ह साइकिल पर घमासान जारी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को हलफनामा देकर अपनी ताकत साबित करने को कहा है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से 9 जनवरी तक विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के समर्थन को लेकर हलफनामा दायर करने को कहा है। दोनों गुटों को एक दूसरे के वो दस्तावेज भी भेजे गए हैं जो उन्होंने चुनाव आयोग को दिए थे। वहीं अखिलेश यादव खेमे के साथ सुलह की कोई संभावना नहीं देखते हुए शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव आज दिल्ली आ गए हैं। यहां वो अमर सिंह के साथ मिलकर इस बात की रणनीति बनाएंगे कि साइकिल कैसे अपने नाम की जाए। वहीं इस बीच आज अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की। अखिलेश यादव के समर्थक अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो सुलह का इंतजार किए बगैर अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी कर दें और कांग्रेस पार्टी के साथ समझौते को भी आखिरी रूप दे दें। चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर घमासान तेज हो चुका है। चुनाव आयोग ने भी इसके लिए अब दोनों गुटों से जवाब मांगा है। ऐसे में तो अब साइकिल किसकी होगी और कौन करेगा साइकिल की सवारी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।